तो दोस्तों नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं तपकरा के उतियाली नदी के तट पर, जहां पर कालरात्रि की पूजा हो रही है। कालरात्रि का हवन हो रहा है। कालरात्रि की पूजा क्यों होती है, क्या इसकी विधि होती है, क्यों की जाती है, सारे मसले पर जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पूजा कर रहे हैं, अवध पाठक जी हैं। ये कालरात्रि की पूजा, ये इस तरह से ये विधि क्या है, और इस थोड़ा सा महत्व दर्शकों को बताइएगा किस तरह से होता है। मैं महत्व के बारे में तो बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ। मैं कामाख्या से जो मुझे मिला है विधान, उसी विधान के अनुसार आज मैं 18 साल से पूजा करते आ रहा हूँ। माँ भगवती काली, शमशान काली की पूजा होती है, शमशान में वास करती है महाकाली और महाकाल। उनकी पूजा शमशान में ही की जाती है, हवन भी की जाती है, नैवेद्य का भोग भी लगाया जाता है और जाप भी किया जाता है। ये विधान है तंत्रुक पद्धति में, ये विधान है कि माँ काली को शमशान में ही जाकर के उनका हवन पूजन और जाप किया। तो ये मतलब ये भद्रकाली माँ काली की पूजा है। हाँ, शमशान काली का पूजा है। शमशान काली का पूजा सप्तमी खत्म होना और अष्टमी को चढ़ना, उसी में इनका पूजा किया जाता है। तो दुर्गाष्टमी के दिन ही मतलब होता है। हाँ, अष्टमी के दिन ही, सप्तमी और अष्टमी के मिलन में होता है। तो ये जैसे और लोग भी पूजा करते हैं, देवी का पूजा करते हैं, कालरात्रि का पूजा करते हैं, भद्रकाली की पूजा करते हैं, लेकिन अगर हम शमशान घाट पर करते हैं पूजा, रात्रिकालीन पूजा करते हैं भद्रकाली, तो इसका मतलब क्या होता है, उसका फायदा क्या होता है? मतलब इसमें शांति, सुख शांति इसमें होता है। इस पूजा से सुख शांति का विधान है। सुख शांति सारी तरफ फैलता है। सबको करना चाहिए। महाकाली का पूजा करना ही चाहिए, शमशान नहीं करना चाहिए। शमशान काली का निवास ही शमशान में, और इनका पूजा यही होना चाहिए, विधिवत होना चाहिए। वैसे हम लोग विधिवत नहीं कर पाते हैं, छोटा रूप में करते हैं, हम लोग उतना ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, लेकिन आस्था महत्वपूर्ण है। हाँ, आस्था से करते हैं, भगवती का स्मरण करते हैं। इसमें क्या होता है, साधक का भय खत्म होता है। जो साधना करता है वो जब तक भयभीत रहेगा वो साधक पूरा साधना कर ही नहीं सकता है। इसलिए साधक को निर्भीक होकर के और शमशान में जाकर पूजन हवन। तो मतलब ये आपने बताया कि 18 वर्षों से आप लगातार कर रहे हैं, तो ऐसा मतलब क्या कोई स्वप्न आया या कोई ऐसा कोई मतलब कोई आकाशवाणी हुई, क्या मन में ऐसा विचार आया कैसा मन में? जी ठीक है, अच्छा पूछे हो। क्या है, बचपन से ही कामाख्या भगवती का आराधना करते थे, ज्योति क्लास पढ़ते थे, दादी हमको हवन सुनाते थे। हम कामाख्या भगवती से ले गए, कामाख्या भगवती जाकर के वहाँ पर दीक्षा उठाई और विधान आपको बताएंगे किस तरह से। और हमारे बाल बच्चे नहीं हो रहे, बाल बच्चे नहीं हो रहे थे, तो भगवती के पास फिर बाल बच्चे भी हुए। और एक मेरे साथ मेरा ड्राइवर भी आया है, उसका 14 साल तक बाल बच्चा नहीं हुआ। मैं एक दिन बोला कि तुम नवरात्र में एक बार मेरे यहाँ आओ, बैठो मेरा पूजा में, फिर चमत्कार देखो। और उस नवरात्रि में भगवती कृपा हुआ, उसके बाल बच्चा 14 साल तक उसका बाल बच्चा, बहुत सा दवाई बीरो कर लिया। तो भगवती के साक्षात हम क्या बोले, इन पे मेरा पूर्ण विश्वास भरोसा है। जो काम नहीं हो रहा है वो तो काम इनके माध्यम से 100% गारंटी है। ये भगवती जगदम्बा बेटी है, यहाँ शक्ति है, और उसके माध्यम से कोई भी कार्य सिद्ध होना ही नहीं होने लगती। मैं बिल्कुल सा उदाहरण, बिल्कुल ये तो सच बात है कि भक्ति में शक्ति है, आस्था में शक्ति होती है, और हम अगर ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो ये अपने आप में मतलब शक्ति का वो होता है, संचार होता है इसमें। जी तो ये मतलब कोई ऐसा कोई निश्चित कोई अपना कोई उद्देश्य नहीं है, बस अपनी आस्था है, इस वजह से आप ऐसा? हाँ, मेरा ये रूटीन है, ये रूटीन की वजह से हम करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि
हम लोग कहीं प्रोफेशनल है या कोई हमको जज मानी कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने लिए करते हैं और सबको कल्याण करने के लिए करते हैं। सब कोई अच्छे रहें, सुखी शांति समृद्धि सब को मिले, इस वजह से मैं ये अनुष्ठान करते रहा हूँ। आज 18 साल से छोटे से ही मैं इस अनुष्ठान को करता हूँ, करते रहूँगा जब तक जिंदा रहूँगा। ये मेरा विधान से पूजा पाठ होते ही रहेगा। ये माँ भगवती का यहाँ पे हवन भी होगा, पूजन भी होगा, जाप भी होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ अवध पाठक जो भद्रकाली की पूजा करते हैं, एक विशेष विधि से पूजा करते हैं, एक विशेष विधान होता है और लगातार 18 वर्षों से करते आ रहे हैं जैसा कि उन्होंने बताया। और इनका मकसद कोई खास नहीं है, निजी आस्था है। और भद्रकाली की पूजा करने से, माता की पूजा करने से, विशेष पद्धति से पूजा करने से इनको निजी लाभ हुआ और इनकी आस्था जगी। और आस्था में शक्ति है, भक्ति में शक्ति है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल और पढ़ते रहिए मुनादी.com, वॉइस ऑफ वॉइसलेस राजेश पांडे के साथ। नमस्कार, हम आपको ले चलेंगे अगले पड़ाव की ओर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार। चलिए सब कुछ प्रसाद पाइए फटाफट।